हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ में चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज हम। बोल रखा है एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर लंबा है, जो कि एक पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, मान लो ये मेरा पेडेस्टल है, ठीक है, जो कि बेस पे बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा पेडेस्टल है। इसके ऊपर मैंने कोई स्टैचू रखा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर है इस पैडल इस स्टैचू की। ठीक है फ्रेंड, और बेस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसका एंगल बनता है कितना, 45 डिग्री। ये एंगल बनता है 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, और पेडेस्टल का, और अगर बात की जाए इस स्टैचू के टॉप पॉइंट के और इसी पॉइंट के साथ एंगल की, तो ये एंगल बनाते हैं 60 डिग्री का। ये एंगल बनाते हैं 60 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड, अगर पेडेस्टल के टॉप पॉइंट का इस पॉइंट से एंगल बनाया जाए तो बनता है 45 डिग्री का, और स्टैचू के टॉप पॉइंट से इस पॉइंट के साथ एंगल बनाया जाए तो कितना बनता है, 60 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड, तो आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पेडेस्टल की हाइट बताओ कितनी होगी, इस पेडेस्टल की ये हाइट निकालने मुझे मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, इसको एच मान लो, हाइट मालूम नहीं, इसको क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। सारे पॉइंटों के नाम दे दो, ए बी सी एंड डी। फ्रेंड ये 1.6 है, ये एच है, तो इनकी टोटल हाइट कितनी बन जाएगी, ये टोटल हाइट होगी, ये होगी एच प्लस में 1.6 मीटर। ये इनकी टोटल हाइट होगी किसकी, डी बी की। ठीक है फ्रेंड, मुझे ए बी भी मालूम नहीं है, ए बी को भी क्या मान लो, एक्स मान लो। तो जो जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन थी सारे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू दे रखी मेरे को 1.6 मीटर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूर्ति, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, एंड ये पेडेस्टल है, हाइट ऑफ पेडेस्टल पेडेस्टल की ऊंचाई। फ्रेंड ये मुझे मालूम नहीं थी कितनी थी मेरी ए बी, जिसको मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। एंड फ्रेंड बी सी को मैंने क्या मान लिया, एक्स। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको बताया था मैंने सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले पिछली वीडियो में कि हर क्वेश्चन में मिनिमम से मिनिमम दो ट्रायंगल बनेंगे, हमें दोनों ट्रायंगल को सेपरेट करना है बस। ठीक है फ्रेंड, पहले छोटे वाले ट्रायंगल को अलग करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर बना लिया, इसका नाम ए बी और ये सी। बी सी कितना मेरा एक्स और ए बी कितना मेरा एच है, छोटा ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद हमें बनाना बड़े वाला ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड, इसका नाम डी, ये बी और ये मेरा सी। फ्रेंड ये छोटे वाला ट्रायंगल है, ये एंगल बनाता है 45 डिग्री का, और बड़े वाला एंगल बनाता है 60 डिग्री का। बी सी तो मेरा सेम ही है एक्स, और ये जो बी डी है टोटल कितनी बी डी, एच प्लस में 1.6, एच प्लस में 1.6 मीटर है मेरा टोटल। ये 1.6 था, ये एच था, टोटल कितना हो जाएगा, एच प्लस में 1.6। ठीक है फ्रेंड, शुरुआत हमें करनी है हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल से। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है फ्रेंड, मैंने लिखा ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी मेरा क्या है, लंब, और बी सी मेरा कौन है, आधार, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो फ्रेंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, देखो जरा, लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, टेन थीटा। यहाँ लिखा मैंने टेन थीटा। ए बी, ए बी कितनी है एच, बी सी कितनी है एक्स, और टेन थीटा, थीटा कितना मेरा 45, एच का एच एक्स का एक्स। फ्रेंड टेन 45 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ रखा मैंने 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ चला जाएगा, एच की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक्स की आ गई, इसको मान ले नंबर 1। मानने के बाद अब बात करते दूसरे ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी त्रिभुज डी सी बी में। ठीक है फ्रेंड, एक पार्ट गिवन होगा, एक निकालना होगा, हम दोनों को ही यूज़ करना है। ठीक है, चाहे इसे ऊपर रख लो चाहे इसे ऊपर रख लो, किसी को भी रख सकते हैं, हमारी चॉइस है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने ले लिया बी डी अपॉन में सी डी, सेम बनेगा यही वाला, लंब बटे में आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कितना फ्रेंड बनेगा मेरा, टेन थीटा बनेगा, थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड,
ठीक है फ्रेंड, बी डी मेरा कितना है एच प्लस में 1.6 और सी डी कितना है बी डी और सॉरी बी सी है मेरा ये बी सी, बी सी मेरा कितना है एक्स है और टेन सिक्सटी की वैल्यू, टेन सिक्सटी की वैल्यू मेरी कितनी है रूट थ्री, तो यहाँ रख दिया मैंने रूट थ्री। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद फ्रेंड एक्स की वैल्यू किसके बराबर है एच के, तो मैंने लिखा यूजिंग वन समीकरण एक के प्रयोग से, समीकरण एक के प्रयोग से एच का एच रखा 1.6 का 1.6, एक्स बराबर एच के, तो मैंने यहाँ लिख लिया एच रूट में थ्री। नीचे तो कहाँ चला गया फ्रेंड, ऊपर चला जाएगा एच रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं रूट वाले टर्म को एक साथ रख लेता हूँ, प्लस का एच इधर है किसको आ जाएगा माइनस का, ठीक है 1.6 दोनों में से मैंने एच को कॉमन निकाल लिया, कितना है रूट थ्री माइनस में वन। फ्रेंड ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा मेरा डिवाइड में, रूट थ्री माइनस में वन, ये मेरी किसकी वैल्यू निकल के आ गई एच की वैल्यू निकल के आ गई। और फ्रेंड ये कभी जो रूट वाली टर्म होती है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहती, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम इसको करते हैं रैशनलाइज, जो मैं अगले पेज पे करता हूँ रैशनलाइज इसको। तो ये मेरी टर्म थी 1.6 अपॉन में रूट थ्री माइनस में इक्वल टू एस था ना, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मैंने क्या किया रूट थ्री माइनस में वन है तो मल्टीप्लाई कर दिया रूट थ्री प्लस में वन एंड रूट थ्री प्लस में वन। तो फ्रेंड नीचे तो हमेशा आइडेंटिटी ही लगेगी, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हो ऊपर वाली टर्म रहेगी सेम रूट थ्री प्लस में वन, एक बार माइनस में एक बार प्लस में क्या लिख देंगे ए स्क्वायर, ए कितना मेरा रूट है थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर, बी कितना मेरा वन, यहाँ पे एच चल रहा मेरा 1.6 रूट थ्री प्लस में वन, ये से कट गया कितना आया थ्री, ये कितना आएगा वन एच 1.6 रूट थ्री प्लस में वन माइनस क्या कितना आया दो एच। ठीक है फ्रेंड, टू वन जा टू टू एट जा सिक्सटीन, तो मेरा आया 0.8 रूट थ्री प्लस में वन, ये मेरी एच की वैल्यू आ गई। और एच मैंने क्या माना था हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये मेरी आ गई हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई मेरी 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा हो गया क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय बाय, थैंक यू।